हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय गेमिंग डे स्टार चैनल। सो गाइस, मैं हाजिर हूं तुम्हारे सामने एक और ऑनलाइन की अटैक स्ट्रेटजी लेकर, जिसका नाम है फाल्कन चार्ज अटैक स्ट्रेटजी, या तुम उसे कह सकते हो क्वीन चार्ज विद फाल्कन अटैक स्ट्रेटजी। इसमें पता है यार, फाल्कन बहुत ज्यादा ओल्ड पावर हो चुकी है अब ऑनलाइन पे, मतलब बहुत सारी अटैक स्ट्रेटजी न्यू आ चुकी है फाल्कन के लिए। तो यार मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं तुम्हें पूरा फाल्कन का ट्यूटोरियल दूं, ताकि तुम यार उससे फाल्कन को अच्छी तरह से कर पाओ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना, जो भी चैनल में नया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना गाइस। मैं ऐसे ही तुम्हारे ऑनलाइन की अटैक स्ट्रेटजी अभी टॉवर 10 11 12 जो भी यार तुम मांगोगे कमेंट सेक्शन बता देना कि यार इस पे बना दे वीडियो, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तो चलो यार, अब सीधा बात करते हैं फाल्कन अटैक स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है लाइव, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं गाइस। ठीक है, बिल्कुल लाइव में तुम्हें अटैक। तो यहाँ पर चेतन भाई इस पर अटैक करने वाला है, तो यार चलो अब शुरू करते हैं अपना लाइव अटैक। दिखाता हूँ मैं तुम्हें पूरा, क्योंकि जो तुम्हें लाइव में दिखाने मजा है ना भाई, वो किसी में मजा नहीं है। तो यार सबसे पहले मैं एक बेस देता हूँ जो कि काफी अच्छा एक वॉर बेस होने है यार। एक पहले यार ये वाला बेस देता हूँ, मैं तुम्हें तीन अटैक दिखाने वाला हूँ फाल्कन के, तो यार जरूर देखना, बिल्कुल तगड़े तरीके से देखना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है चैलेंज के लिए, तो सीसी मैंने पूरा फुल भर रखा है, सीसी में उसे भी नहीं पता कि मैंने क्या ले रखा है। बस ये यहाँ पे फाल्कन अटैक स्ट्रेटजी यूज करने वाला है, और मैं तुम्हें लाइव बताऊंगा कि कैसे कैसे तुम्हें करना है। जैसे यार ये रिप्ले पे कर, मतलब अटैक पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वॉच रिप्ले का, तो मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। बस ये फटाफट अटैक पे क्लिक कर दे, और ये चैतन सीधा लाइव अटैक करने वाला है, तो मैं तुम्हें लाइव कमेंट्री यहाँ पे बताऊंगा कैसे तुम्हें करना है, कैसी कैसी चीज ले जानी है। तो फाइनली यहाँ पे आ चुका है वॉच लाइव का ऑप्शन, तो चलो यार टैप करते हैं यहाँ पे बड़ी खुशी से। तो यार ये बेस बहुत अच्छा बेस है, मतलब मेरे बहुत टाइम मैंने यूज किया भाई, बहुत खतरनाक वॉर बेस रहा था एक टाइम पे मेरे पास, ये जो मेरे पास मैच हो चुका था। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, क्वीन तुम्हारी इस लेवल में होनी कम से कम 20 प्लस लेवल की क्वीन होनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें क्वीन चार्ज करानी एक तरफ से, ताकि एक तरफ से तुम्हें क्वीन चार्ज इसलिए करानी है क्योंकि तुम्हें पता है फाल्कन के लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि फनल क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि आपको फाल्कन को भेजना है इनसाइड द बेस ना कि आउटसाइड द बेस गाइस। तो यार ये याद रखना कि फाल्कन को बिल्कुल तुम्हें सेंटर द बेस भेजना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक क्वीन एक किंग की तरफ से लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और दो विजार्ड की हेल्थ थोड़ा फनल क्रिएट किया जा रहा है फाल्कन के लिए, ताकि यार फाल्कन सीधा इनसाइड द बेस जाए, ठीक है। और एक तरफ से क्वीन चार्ज होनी शुरू होगी, हाँ यहाँ पे होगी यार शुरू में, जरा लेट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ क्वीन चार्ज होने शुरू होगी। क्वीन की एबिलिटी फाइनली यहाँ पे शुरू होने वाली होगी, यहाँ पे टैप होगी, और यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी अभी तक नहीं है भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्वीन की एबिलिटी के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, फनल अच्छी से क्रिएट हो चुका है गाइस। सीसी अभी मेरा पूरा फुल भर रखा है, और ये याद रखना कि फाल्कन जैसे तुम ट्राई कर देते हो उसके पीछे से एक या दो विजार्ड भेज देना, ताकि सीसी में फटाफट जल्दी से लिया हो जाए, क्योंकि डबल पॉइजन आने वाली सीसी को तुम्हें पता है कितना हैवी डबल पॉइजन हो जाता है, और जिससे अटैक खराब नहीं होता है, मतलब सीसी आराम से क्लियर होता है। और ड्यूरेशन में होनी चाहिए तुम्हारे पास बॉलर्स, क्योंकि तुम्हें पता है बॉलर्स की एबिलिटी, मतलब बॉलर की जो ताकत है यार, एक साथ डबल डिफेंस को हिट करता है तो क्लोज होता है, तो यार तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना हैवी कोर बचा हुआ है यार, बहुत ही अटैक स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे भाई सब खत्म हो चुका है, क्वीन अभी भी फुल हेल्थ है, बस याद रखना यार क्वीन तुम्हारे पास कम से कम अगर हाई लेवल की होना तो अच्छी फायदा है। और यहाँ पे चार हॉक्स लेगी, ताकि जो कि डिफेंस है जो कि थोड़ी बहुत वल्केरीज पे डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, वहां से अपने हॉक्स को जो चार हॉक्स लेके जाएगा, ताकि यार ये अच्छी तरह से स्कोर को संभाल सके। और मेरे ख्याल से अटैक 3 स्टार हो चुका है ये, अभी भी मेरे पास मतलब दो टेस्ट यहाँ पे है, वल्केरीज बहुत सारी बची हुई है, एक बॉलर बचा हुआ है, क्वीन अभी तक बची है, एबिलिटी पूरी है यार उसके पास, तो अभी भी यार इट्स अ नाइस अटैक, इट्स अ वेरी ग्रेट अटैक स्ट्रेटजी भाई चेतन की तरफ से, भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार। अभी भी क्वीन की एबिलिटी 30 क्वीन है, अगर इस लेवल में क्वीन तुम्हारी हाई लेवल होती है गाइस तो करो यार अटैक, बहुत ओल्ड पावर अटैक स्ट्रेटजी। तुम्हें करना क्या होता है मैं बता देता हूँ दोबारा। चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट अटैक में बताऊंगा कि जो नेक्स्ट बेस आने वाला है तुम्हारे लिए, तो यार उसमें बताऊंगा भाई, बहुत ओल्ड पावर अटैक स्ट्रेटजी। यहाँ पे अभी भी देखो 4 से 5 वल्केरी बची हुई है, क्वीन नहीं बची हुई, मतलब लगभग बहुत सारे ट्रूप्स अभी बचे हुए हैं मेरे बेस के। तो यार मेरा बेस हो चुका है 3 स्टार, जो कि एक टाइम मेरे लिए बहुत फेमस बेस हुआ करता था, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा अटैक दिखाना होता है, बहुत बड़े अटैक किया शाबाश चेतन, शाबाश गजब लड़के गजब। और दूसरा अटैक दूसरा बेस देने वाला हूँ यहाँ पे वॉच रिप पे, जैसे करते हैं तो चलो यार अब देखते हैं कि क्या करता है चेतन भाई क्या इस पे। यार ये मेरा रामबाण बेस है, मतलब ये बेस मेरे लिए भाई बहुत ओल्ड पावर रहा है, मतलब इस पे बहुत सारे बेसिस पे मैंने डिफेंड किया है, बट मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई, बट कोई दिक्कत नहीं, बेस बहुत ओल्ड पावर्ड बेस है। तो मैंने मेरा बेस था वो 3 स्टार हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ क्वीन चार्ज एंड वल्केरी, बट फाल्कन अटैक बहुत ज्यादा ओल्ड पावर। तो यार बस एक फटाफट यार रिप्ले पे क्लिक कर, मतलब वॉच लाइव पे, मतलब वॉच लाइव का एक ऑप्शन आ जाए फटाफट जल्दी जल्दी, तो यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइव अटैक दोबारा से। तो तुम्हें यार याद रखना कि इसमें फाल्कन के लिए मैं तुम्हें आर्मी कंपोजिशन बताऊंगा बाद में, बस तुम ये याद रखना कि तुम्हें फाल्कन के लिए एक बहुत अच्छा फनल क्रिएट करना पड़ता है, मतलब बहुत 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 अच्छा फनल क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें फाल्कन को सीधा इनसाइड द बेस भेजना है, ठीक है पूरा कोड। और यहाँ पे हो चुका है क्वीन वॉच लाइव पे, तो यार इसी कंपोजिशन सुन लो, 3 आर्चर्स 1 ये लेके गया लोन्स, 5 विजार्ड और 4 हिलर्स, 1 डिबिटेगा, 6 हॉक्स लेके गया, 12 बल्कि डोनेशन है, मैक्स बॉलर्स है, किंग क्वीन है, 2 हीलिंग 2 रेज स्पेल
एक और एक मैक्स पॉइजन। तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में इसने क्वीन अपना एक मतलब किंग छोड़ दिया और उसके पीछे दो विजार्ड था कि फनल क्रिएट करना है। तो मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ यार, फनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर डूइंग अ फाल्कन अटैक स्ट्रेटजी ऑन एनी बेस गाइस। तो यार तुम्हारे लिए पहले पहले तुम्हें पता है कि यार एक अच्छा फनल क्रिएट होना चाहिए। जैसे फनल क्रिएट होता है तो अपनी सारी की सारी क्वीन को मतलब सारी सारे अपने जो फाल्कन है सबको एक साथ ट्रैप करो ताकि वो इनसाइड द बेस है। और यार ये मत सोचना कि यार इसका सीसी लेवर नहीं है, क्योंकि यार डबल पॉइजन पे जब तुम्हारा सीसी आता है गाइस तो यार वो वहीं का वहीं मर जाएगा, उसे सर्वाइव करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्वीन मूव हो रही है, एक अच्छा फनल क्रिएट हो चुका है। फनल बहुत चीजें क्रिएट किया है भाई, अब की बार इसने बहुत अच्छा फनल क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। और सारी अब सारी क्वीन सारी सारी फाल्कन अब टैप हो जाएगी। डोनेशन है मैक्स बर्ड, यार मैक्स बर्ड का तुम फायदा उठा सकते हो। डोन लेना चाहते हो ऑनलाइन के ट्रूप जैसे कि वल्की, तो यार वल्की भी तुम ले सकते हो, बट मैं कहूँगा यार इसके बॉल्स तुम्हें लेना चाहिए यार। कोड डिसीजन हो चुका है अच्छी तरह से, फुल ऑफ फुल एक हीलिंग स्पेल अभी बचे, दो रेज स्पेल आ चुके टैप भाई, कोड बिल्कुल खत्म हो चुका। क्वीन अभी एबिलिटी, क्वीन अभी भी सर्वाइव कर रही है लेफ्ट साइड में क्वीन वॉक के साथ अभी भी। और यहाँ पे डबल एक जायंट बॉम्ब यहाँ पे था और एक हीलिंग स्पेल फाइनली यहाँ पे आ चुका है, तो बॉल्स भी हील हो जाएंगे। और वल्की अभी बहुत बची है, डिफेंस अभी इतना कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बट यहाँ पे ट्रूप्स यार खत्म हो चुके हैं। बट हमारे पास अभी भी सिक्स हॉक्स है और क्वीन अभी भी हो रही है चार्ज और फाल्कन पे हो चुकी है हीलर्स चार्ज। तो यार ये याद रखना कि अगर तुम यार ऐसा करा सकते हो कि क्वीन को इस तरफ से मूव कराना गाइस कि वो जो अटैक जब जाए, जब फाल्कन तुम छोड़ो ड्रॉप करो तुम अपनी फाल्कन को किसी बेस के ऊपर, तो वो क्वीन से हटके जो क्वीन का काम था फनल क्रिएट करने का वो हो जाए खत्म और फाल्कन से हटके वो बॉलर्स पे मतलब बॉलर्स पे आ जाए और फाल्कन पे आ जाए हीलर्स को, ऐसे तुम्हें वॉक कराना मतलब इस तरह से तुम्हें करना है। और हीलर्स के अंदर कोशिश करनी है कि फाल्कन पे और बॉलर्स पे लॉक हो जाए, तो काफी अच्छा तुम्हें एडवांटेज मिलेगा किसी भी टाउन लाइन को थ्री स्टार करने में। तो यहाँ पे सिक्स हॉक फाइनली ड्रॉप अप हो चुके हैं लेफ्ट साइड से, एक भी हीलिंग नहीं बची है, बट अभी हमारे पास टू वेल्किरीज बची हुई है, फोर हीलर्स बची हुई है जो कि एक बॉर्ड को माथा मार रही है, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी हमारे पास टू हॉक्स बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो अभी भी यार एक लून बचा हुआ था जो कि डाला था इसने, लेटर डाल दिया ताकि फटाफट डिफेंस खत्म हो जाए। एक बॉर्ड को यार हीलर्स हील कर रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से एबिलिटी यार थ्री स्टार आराम से, क्योंकि अभी डिफेंस का कुछ बचा नहीं है, एक सिर्फ एक एक्सबो बचा हुआ है जो कि लॉक है सिर्फ एक बॉलेट पर जिसको हील कर रही है अपनी हीलर्स। तो यार ये अटैक थ्री स्टार आराम से यार, बहुत अच्छी ओवर पावर अटैक स्ट्रेटजी है गाइस, बहुत ओवर पावर अटैक स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा ओवर पावर भाई, बहुत मजा आया, सुपर ब्रो, सुपर भाई, बहुत अच्छा अटैक है भाई, मेरा रामबाण बेस था इसने इसको तोड़ दिया भाई, थ्री स्टार बहुत खतरनाक सही तरीके थोड़ा भाई यार, बहुत अच्छी अटैक स्ट्रेटजी यार, आई होप तुम्हें ये अटैक स्ट्रेटजी अच्छी लगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू से लेकर तुम्हें करना क्या है, ठीक है, कंपोजिशन में तुम्हें आर्मी बता देता हूँ करना क्या है, तुम्हें हर एक चीज बता देता हूँ। और यार ये थ्री स्टार हो चुका है भाई, लाइव अटैक चल रहा है गाइस, लाइव अटैक चल रहा है, तो यार तुम्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि मैं रिप्ले नहीं दिखा रहा हूँ गाइस, लाइव अटैक दिखाया है मैंने। तो यार इसमें याद रखना कि तुम्हारे पास किंग और क्वीन अगर अच्छी लेवल के होते हैं गाइस तो यार वो करो यार, बहुत सुपर। तो चलो यार तुम्हें अब बता देते हैं कंपोजिशन क्या क्या ले जानी है तुम्हें आर्मी में गाइस। तो तुम्हें ले जानी है कम से कम थ्री अटैचेस या ले जा सकते हो, तो ले जाए एक बलून, फाइव विजार्ड, फोर हीलर्स, वन बेबी ड्रैगन, सिक्स हॉक्स, 12 वर्कीज, या तुम 6 को 4 ऑक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर तुम वर्कीज को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, वो तुम्हारे पर डिपेंड है गाइस, ठीक है। डोनेशन में तुम्हारे पास मैक्स बॉलर्स होने चाहिए या फिर तुम्हारे पास मैक्स वर्कीज, वो तुम्हारे पर डिपेंड है, बट मैं बोलूंगा यार तुम यार एक बॉलर्स अटैक करो ताकि बॉलर्स सीजन में होनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन है जो कि अगर हीले गेंडे पे जब रेज बढ़ती है ना गाइस तो भाई ओवर पावर हो जाती है वो। किंग क्वीन तो ना दोनों हाई लेवल के होने चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो यार क्वीन तुम्हारी कम से कम मस्ट बी 20 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि क्वीन को तुम यार यूज कराओगे एक तरह फनल के रूप में, ठीक है, दो रेज स्पेल, दो हीलिंग स्पेल और एक पॉइजन अपनी और एक मैक्स पॉइजन अपनी। तो तुम्हें करना है क्या, क्वीन वॉक से एक फनल क्रिएट करना है अच्छी तरह से, और अपने अगर सहायता तुम यूज कर सकते हो अपना किंग को भी यार यूज करना है ताकि एक अच्छी तरह फनल क्रिएट हो जाए जल्दी जल्दी, अच्छी से अच्छे फनल क्रिएट हो जाए। और जैसे ही फनल क्रिएट होता है गाइस तो यार ये याद रखना फनल को इस तरह क्रिएट करना कि जो क्वीन से हटके जो हीलर्स है वो अपनी वल्कीरीज पे जाए, और वल्कीरीज तुम्हें कहना भेजना सेंटर द बेस भेजना है गाइस, ठीक है। जैसे वल्कीरीज अगर नहीं भी आते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वल्कीरीज जो है काम तबाह कर देगी बीच के सेंटर को बाय द हेल्प ऑफ बॉलर्स एंड यूजिंग सम स्पेल्स, रेज स्पेल्स एंड हीलिंग स्पेल। तो भाई बहुत अच्छा डिस्ट्रक्शन मिला, देखो भाई बहुत ओल्ड पावर अटैक स्ट्रेटजी, मैं तुम्हें कंपोज में बता दिया। और तुम्हें करना क्या है, बस फनल क्रिएट करना है बस, और सीधा क्वीन को टैप करना है, कोई सोचना नहीं है कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है भाई। बहुत सही यार, मजा आ गया भाई इस अटैक को देख के भाई, मजा आ गया भाई, सुपर भाई सुपर। तो आई होप यार तुमको ये अटैक स्ट्रेटजी काफी अच्छी लगी गाइस, क्योंकि लाइव में तुम्हें अटैक दिखाया, तो आई होप तुमको ये दो अटैक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगेगी। तो
गाइस अब मैं तुम्हें दिखाने वाला लास्ट और इंपॉर्टेंट अटैक। यार ये बहुत सरप्राइज अटैक था, मतलब टाउन हॉल 10 पे यार अटैक स्टडी यूज करेगी फैल्कन की, बट यार इसमें टाउन हॉल 9.5 मैक्स था, तो यार चेतन को कुछ पता है इसलिए वो चला गया, इसलिए वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मतलब मैं लाइव दिखाने वाला था बट यार नहीं पाया। बट इसने यार TH10 पे एक अटैक किया है, तो वो दिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, फैल्कन ऑन TH10। यार भाई बहुत सुपर अटैक है यार ये। अब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक चीज। तो भाई यार वो लाइव था, वो लाइव कमेंट्री थी। अब यार तुम्हें सोचना हो तो यार रिप्ले कर रहे, मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा देता हूँ। तो यार आर्मी को मुझे तुम्हें पता है क्या कि अपने 12 वेलकरीज या 64 हॉक्स ले जाने हैं तुम्हें, और अपने डोनेशन में चाहिए तुम्हारे पास मैक बर्ड्स, किंग और क्वीन तुम्हारे पास हाई लेवल होनी चाहिए, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वीन तुम्हारे मस्ट भी 20 प्लस होनी चाहिए। तो यार यहाँ पे तुम एक बेस 9.5 पूरा फुल मैक्स है, मतलब टाउन 10 की इसकी एवरीथिंग मैक्स है एवरीथिंग, बट इसके पास इन्फर्नो नहीं है, इन्फर्नो नहीं है, बट कोई दिक्कत, इसने वेट नहीं करा, बट यार इसने क्या करा यार, इसने चेतन भाई ने यहाँ इस पे अपनी अटैक स्टडी यूज करी भाई। अब तुम्हें बताता हूँ कितनी ओवर पावर्ड यार ये अटैक स्टडी। मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि यार एक तरह से तुम्हें क्वीन को वॉक कराना है या फिर एक तरह से तुम्हें करना है अच्छी तरह से जो कि तुम्हारा जो फैल्कन जाए वो सीधा इनसाइड द बेस जाए, ठीक है, फैल्कन को तुम्हें इनसाइड द बेस भेजना है, और यार तुम्हें इस तरह से अटैक करना है यार ये अगर हो सकता है तो गाइस किसी बेस पे कि क्वीन वॉक तुम्हें इस तरफ से वेट कराने, मतलब क्वीन को तुम्हें इस तरफ से सर्वाइव कराना पड़ेगा, इस तरह से तुम्हें वॉक करनी पड़ेगी, जो क्वीन क्या हो जो कि हिलर्स है उसके पीछे से वो सीधा लॉक हो जाए फैल्कन पे और बॉलर्स पे, तो यार काफी अच्छा एडवांटेज तुम्हें मिल जाएगा। तो यार फाइनल चीजें क्रिएट हो चुका है, ठीक है, चीजें क्रिएट हो चुका है, बॉलर छूट चुके हैं, सीसी में सब कुछ खत्म, मतलब सब कुछ छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगी हीलिंग स्पेल और सीसी लॉर वाइज का डबल पॉइजन 37 की एनिमी के पास क्वीन थी भाई 37 की, तो यार लॉक हो चुकी है हिलर्स पे, हिलर्स जो लॉक हो चुकी है फैल्कन पे और बॉलर्स पे लॉक हो चुकी है, रेज स्पेल आ चुकी है, दो दो रेज स्पेल आ चुकी है, एक और हीलिंग स्पेल आ चुकी है, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम अभी भी यार कितना, मतलब कोर पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो कि क्वीन जो कि डिस्ट्रैक्ट हो रखे थे जो डिफेंस है वहां से 6 हॉक्स आ चुके हैं ताकि थोड़ा बहुत डिफेंस वो भी कवर अप कर ले, और यहाँ पे अभी भी देखो यार जो हीलर्स है यार वो जो हीलर है वो चार्ज हो रही है किस पे, फैल्कन पे, तो यार तुम्हें ऐसे ही तरीके से यार यूज करना है, अगर अपनी फैल्कन को तुम यार यूज करते हो इस अटैक स्टडी को यूज करते हो गाइस, तो तुम्हें ऐसे यार यूज करना है कि यार हो सकता है किसी बेस पे कि यार कि जो फैल्क जो मतलब कि वल जो तुम क्वीन वॉक करा रहे हो किसी बेस पे, तो यार वो क्वीन वॉक हटके वो फैल्कन वॉक में कन्वर्ट हो जाए या फिर बॉलर्स वॉक में कन्वर्ट हो जाए, तो काफी तुम्हें अच्छा एडवांटेज मिलेगा और काफी अच्छी टैग होगा। तो यार ये पूरा टाउन 9.5 का पूरा फुल मैक्स बेस था, अभी भी क्वीन की एबिलिटी अभी बची हुई है हमारे पास, एक लून बचा हुआ है, दो आर्चर बची है, किंग की एबिलिटी दोनों तरफ से बची हुई है, और यहाँ पे हमारे पास बचे हुए हैं दो बॉलर्स बचे हुए हैं, क्वीन की एबिलिटी है, और भाई देख सकते हो कितना ओवर पावर अटैक स्टडी है गाइस। तो आई होप यार तुम्हें ये अटैक स्टडी काफी अच्छी लगी होगी और तुम यार जरूर यूज करोगे, और बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और अटैक कैसा लगा यार, तुम सबसे बड़ी बात है वीडियो को छोड़ो तुम्हें अटैक कैसे लगे यार ये, और तुमने और अगर तुम्हें अटैक स्टडी चाहिए तो यार कमेंट करके जरूर बताना किस पे तुम्हें अटैक स्टडी चाहिए। तो यार अभी भी क्वीन के पीछे एक हीलर लॉक है और क्वीन की अभी तक एबिलिटी बची हुई है, एक वल्केरी दो वल्केरी बची हुई है, किंग की एबिलिटी बची हुई है, कोई भी पॉइंट डिफेंस अब नहीं रहा, कोई भी डिफेंस बस कलेक्टर्स और थोड़े बहुत बिल्डिंग्स रह गई है, और जो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी क्वीन की एबिलिटी पे गाइस। तो यार बहुत ओवर पावर अटैक स्टडी, जो कि क्वीन की एबिलिटी अभी तक पॉपअप नहीं करी यार इस बंदे ने, बहुत सही यार। टाउन 10 भाई टाउन 9.5 को पूरा फुल एक मैक्स बेस था, जो कि टाउन 10 के इसके पास एवरी सिंगल डिफेंस पूरा फुल मैक्स था, इन्फर्नो नहीं थे इस बेस पे पास, तब भी यार ये अटैक स्टडी देख सकते हो कितनी ओवर पावर्ड है। आई होप यार तुमको सब ये अटैक स्टडी काफी अच्छी लगी होगी। तो यार मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें कौन सी अटैक स्टडी वीडियो चाहिए। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट अटैक स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप तुम सबको ये अटैक स्टडी काफी अच्छी लगी होगी गाइस, तब तक के लिए खेलते रहो देखते रहो सीखते रहो क्लैश ऑफ क्लैन, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। Tell me that you love